तो हेलो गाइस, देखो सामने खड़ी है RM5M। इसके अंदर जो पीछे का टायर आता है वो आता है 140/70 R17। R मतलब होता है रेडियल। एक बार फ्रंट का टायर दिखा देता हूँ। देखो फ्रंट का टायर है 180/17। इसके आगे यहाँ पे R नहीं लिखा हुआ। ये टायर है आपका नॉन रेडियल। तो नॉन रेडियल टायर के जो ड्रॉबैक्स रहते हैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीछे का जो रेडियल टायर है उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे क्या रहते हैं। सबसे पहले इस टायर का जो सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप लोगों को रोड पर जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टायर। इन चीज़ इस वाले टायर का जो मेजर बेनिफिट आप लोगों को मिलता है वो यही रहता है कि भाई रेडियल टायर रहेगा तो आपका जो हीट है ना, जैसे रोड पर चलता है टायर गर्म होना चाहिए तो हीट बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर लेता है, जल्दी गर्म होता है। तीसरी चीज़, इस वाले टायर का जो वेट रहता है वो रेडियल टायर के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का भी रहता है, जिससे कि परफॉर्मेंस और अच्छी मिलती है। चौथी चीज़, इसकी जो साइड वॉल रहती है ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड रहती है, जिससे कॉर्नर वगैरह करने में, लीन वीन करने में आपको एज कम्पेरिजन टू नॉर्मल टायर आसानी रहती है। तो इस वजह से भाई हमेशा अपनी बाइक के अंदर टायर अपग्रेड कर दो, रेडियल लगाओ और शॉर्ट अच्छा लगाओ, सब्सक्राइब कर दो।